जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, आज का प्लान 28x40 फीट के घर के लिए रेडी किया गया है। जैसा कि आपको पता है, हमारे सारे प्लान वास्तु के अकॉर्डिंग होते हैं। जिन लोगों को वास्तु का नहीं पता, उन्हें बता देते हैं। आप जिस भी जमीन पर घर, दुकान या फैक्ट्री का निर्माण करते हैं, उस जमीन का दिशा और अपने प्लाट के साइज के अकॉर्डिंग अपना एक वास्तु होता है। उसका ध्यान रखकर अगर आप निर्माण करते हैं, तभी वो जगह आपके लिए शुभ रहती है, ग्रो देने वाली होती है और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल करती है। अगर आप वास्तु का ध्यान नहीं रखते हैं तो वो जमीन आपके लिए अशुभ रहती है, और उस पर अगर आप कोई भी निर्माण करते हैं तो जितनी प्रोग्रेस आपकी होनी चाहिए जीवन में, वो नहीं हो पाती है। आज का प्लान पूर्वमुखी है। आगे से हमने 28 फीट कवर किया है, पीछे से 28 फीट, 40 फीट इधर से, 40 फीट इधर से। तो अपना प्लाट हुआ 28x40 का। दो तरफ रोड है, पूरब दिशा में रोड है, एक दक्षिण दिशा में रोड है। तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं कि या तो आप पूर्वमुखी घर बना लें या दक्षिणमुखी घर बना लें। जब ऐसी कंडीशन हो तो वास्तुशास्त्र ये कहता है कि आपको पूर्वमुखी घर बनाना चाहिए। पूरब दिशा भगवान सूर्य देव की दिशा होती है, सबसे शुभ दिशा मानी जाती है पूरब और उत्तर। तो अगर आपका ऐसा प्लॉट है तो इस चीज को इग्नोर ना करें, पूर्वमुखी ही घर बनाएं, चाहे छोटी गली लगे चाहे बड़ी गली लगे, इस चीज का ध्यान रखें। अब बात आती है कि पूरब दिशा कौन सी होती है। तो देखिए, जिस तरफ सूर्य भगवान उदय होते हैं वो दिशा पूरब दिशा मानी जाती है, सामान्य शब्दों में जो वास्तुशास्त्र कहता है। दूसरी चीज, अगर आपको एकदम परफेक्ट दिशा का पता लगाना है तो आप अपने मोबाइल में जो कंपास होता है, उस कंपास के अकॉर्डिंग अपनी दिशा का पता लगा सकते हैं। प्लाट के कोई भी कॉर्नर कटा या बढ़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब कोई वास्तु दोष नहीं है। जिन प्लाट्स के कॉर्नर बढ़े या कटे हुए होते हैं, पूरा वास्तु का ध्यान रखें, वरना भविष्य में आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 28x40 है कॉर्नर का प्लॉट, सुंदर सा घर बनेगा। सबसे पहले बात आती है मुख्य दरवाजे की। तो मुख्य दरवाजा अगर आपका वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो भी काफी प्रॉब्लम्स रहती है। तो मेन डोर, जब भी आप पूर्वमुखी घर का बनाएं तो यहाँ पर मेन डोर बनाएं। इस साइड में कभी भी मेन डोर ना बनाएं। जो आग्नेय मुखी में पूर्वमुखी घर में मेन डोर होता है वो काफी प्रॉब्लम्स देने वाला होता है, शुभ नहीं माना जाता है। तो मेन डोर यहाँ होगा। जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे, 14 फीट का ऐसे स्पेस लिया गया, 12 फीट ऐसे, पूरा ईशान कॉर्नर है, देवस्थान है। अगर आपका पार्किंग एरिया यहाँ पर रहता है, शुभ रहता है, कोई भी इशू नहीं है। आपका पूरा ईशान खाली रहता है, हल्का रहता है, जो धन धान्य सुख समृद्धि देने वाला होता है। फिर हमने देखी इधर आपके अदर प्रॉपर्टी है उत्तर दिशा में और पश्चिम दिशा में। तो उत्तर दिशा का वास्तु और वेंटिलेशन घर का सही करने के लिए 2.5 फीट की पूरी एक गैलरी दे दी है, जिससे आपका वेंटिलेशन भी परफेक्ट रहेगा घर का, और घर काफी रोशनी और हवा से भरपूर रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेगा, और काफी परफेक्ट आपके घर का वेंटिलेशन रहेगा। तो अब देखिए, अंदर जाने का जो दरवाजा है वो हमने यहाँ पर दिया है। जैसे आप 3 सीढ़ियां चढ़कर अंदर जाएंगे, सीढ़ियां हमने इसलिए लगाई है, आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देते हैं। जब भी आप अपने नए घर का निर्माण करें तो मुख्य सड़क से कुछ ऊंचाई लेके अपने घर का निर्माण करें। अगर आप मुख्य सड़क से ऊंचाई लेके घर का निर्माण नहीं करते हैं तो इन फ्यूचर आपका घर नीचा हो जाता है और घर का वास्तु भी खराब हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखें, इस चीज को इग्नोर ना करें। तो यहाँ पर आपका मुख्य दरवाजा अंदर का लगेगा। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, ये क्या आ गया, ब्रह्म स्थान आ गया, हॉल प्लस डाइनिंग एरिया, 11 फीट ऐसे, 14 फीट ऐसे, काफी बड़ा हॉल रहेगा। हॉल के अंदर ईशान कॉर्नर में पूजा घर बनाना, यथास्थान पूजा घर, कभी भी लेटरिन बाथरूम, सीढ़ियों के नीचे या ऐसे स्थान में, नर्तक के कॉर्नर में, और या ऐसे स्थान पर आपको कभी भी नहीं बनाना चाहिए जहां पर आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता हो पूजा का। आपके घर के अंदर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ना जरूरी है, तभी सुख समृद्धि और धन धान्य से भरपूर आपका घर रह पाएगा। देवस्थान होता है ईशान कॉर्नर, तो वहीं पर आपके आंगन के यानी कि ब्रह्म स्थान का जो आपका हॉल रहेगा, उसमें आपको ईशान कॉर्नर में अपना पूजा घर बनाना है। एक खिड़की इधर, एक खिड़की इधर दे सकते हैं। एक दरवाजा हमने 2.5 फीट की गैलरी में जाने के लिए दिया है, जिससे आपके घर के दो दरवाजे हो जाएंगे। एक दरवाजा आपके पूर्व में खुलेगा, एक उत्तर में, जो काफी सुख समृद्धि देने वाला होगा। काफी बड़ा हॉल है। हॉल के इस साइड में आप देखेंगे क्लॉकवाइज सीढ़ी दी गई है, सीढ़ी के नीचे की दीवार में एक विंडो दे दी गई है ताकि हॉल के अंदर आपका क्रॉस वेंटिलेशन रहे, अच्छा रोशनी प्रकाश रहे। इधर आप प्रवेश करेंगे, ये कौन सा कॉर्नर है, अग्नि कॉर्नर है। अग्नि कॉर्नर के अंदर ध्यान रखें, कभी भी मिस्टेक ना करें। जिन घरों के अंदर अग्नि कॉर्नर कटे हुए होते हैं, वायव्य कॉर्नर कटे होते हैं, घर की महिलाओं का स्वास्थ्य उचित नहीं रहता है, महिलाओं का स्वास्थ्य काफी गंभीर स्थिति में देखने को मिलता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। किचन आपका 8x12 फीट का किचन है, 3.5 फीट हमने इधर आपका स्टोर रूम लिया है और 3.5 फीट का आपका वॉश एरिया लिया है। तो आपका अच्छा वॉश एरिया स्पेस हो जाएगा, स्टोर रूम बड़ा बन जाएगा, वॉश एरिया 3.5x4 का काफी होता है, आराम से आप बर्तन धो सकते हैं।
तो एक एक विंडो इधर दी गई है, एक विंडो हमने फ्रंट पे रखी है, ठीक है। काफी लोग कहेंगे सर वास एरिया इधर देना ठीक रहेगा, वास एरिया आप देखिए उत्तर में देते हैं अति उत्तम है। अगर आपके इधर स्पेस ही नहीं है तो आप इस कॉर्नर में वास एरिया दे सकते हैं, बट इस कॉर्नर में आपको वास एरिया नहीं देना है। उसके बाद में आप देखिए ये आपकी सीढ़ियां होगी, यहाँ पर आपका 4x7 फीट का कॉमन लेटरिन बाथरूम हो गया है। ग्राउंड फ्लोर का प्लान है इसलिए हमने एक ही इसमें लेटरिन बाथरूम रखा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और एक वेंटिलेशन विंडो फैन आपकी दक्षिण की जो रोड जा रही है उस तरफ ओपन हो जाएगी। इधर प्रवेश करेंगे आप देख रहे हैं आपके 11x12 फीट का एक नर्तकीय कॉर्नर में रूम दिया गया है। नर्तकीय कॉर्नर का रूम क्या कहता है, नर्तकीय कॉर्नर का रूम कहता है ये स्थान आपका हमेशा पूरे घर से ऊंचा रहना चाहिए, भारी रहना चाहिए, इस स्थान में माता पिता निवास करने चाहिए। नर्तकीय कॉर्नर जिन घरों के अंदर दबा हुआ होता है उन घरों की कभी भी उन्नति नहीं हो पाती, काफी परेशानियां आर्थिक और शारीरिक रूप से देखने को मिलती है। एक विंडो आप साउथ में दे सकते हैं, विंडो जरूरत हो तभी खोले, वरना पूरा ये नर्तकीय कॉर्नर आपका क्लोज रहता है, काफी शुभ रहता है, घर के अंदर धन टिकता है, सुख समृद्धि बनी रहती है। इधर प्रवेश करेंगे एक डोर लग रहा है वास्तु अकॉर्डिंग स्थान कॉर्नर में डोर दिया गया है। आपका रूम रहेगा सेकंड नंबर रूम, 11x12 फीट का रूम है। एक विंडो हमने उत्तर की तरफ दे दिया है, आंगन की तरफ आप विंडो ना दे तो ज्यादा बेटर रहेगा, प्राइवेसी आपकी रहेगी। और एक विंडो रहेगा तो अच्छा वेंटिलेशन भी हो जाएगा, 11x12 के रूम में एक बड़ी विंडो काफी रहती है। तो ग्राउंड फ्लोर पर आपको दो रूम मिल रहे हैं, 11x12 के एक कॉमन लेट बाथ मिल रहा है, एक बड़ा सारा हॉल मिल रहा है 11x11 फीट आपका, ये जो पूजा घर है इसके बाद है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो आपका स्पेस ज्यादा बढ़ेगा। तो 14 फीट की लंबाई में काफी बड़ा आपका हॉल प्लस डाइनिंग एरिया मिल रहा है, सीढ़ियां क्लॉकवाइज मिल रही है, पूरा वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो दी गई है, डोर दिए गए हैं, पूजा घर प्रॉपर तरीके से रखा गया है, किचन रखा गया है, वास एरिया स्टोर रूम से अटैच। तो 28x40 में बेस्ट प्लान हमने प्रोवाइड करवाया विद पार्किंग एरिया। तो आई थिंक आपको ये प्लान काफी अच्छा लगा होगा। प्लान अगर अच्छा लगा है तो वास्तु का ध्यान रखकर जो भी आपके नियरेस्ट अच्छे वास्तुशास्त्री है उनसे ही अपने घर का नक्शा बनवाइए। हर किसी से नक्शा बनवाकर लाखों रुपए जो आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं उनको बर्बाद मत कीजिए, घर बार बार नहीं बनता है। वास्तु का प्रॉपर ध्यान रखिए ताकि आपके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल रहे, प्रॉपर तरीके से काम कीजिए ताकि इन फ्यूचर भी आपको शारीरिक आर्थिक और किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज के लिए इतना ही, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।